ठीक है, इन सब लोगों को जवाब देने के लिए राहुल गांधी जी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम लोग अपने जो समीक्षा बैठके हैं अपने उसमें 11 जनपद हैं, तो 11 जनपदों की समीक्षा बैठक में आज 9 तारीख को हम लोग हरदोई जनपद आए हुए हैं। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा हम लोग को अभियान दिया गया है हाथ से हाथ जोड़ अभियान, तो उसी अभियान में जो अभी तक की प्रगति है उसी की समीक्षा के लिए हम लोग जिलाध्यक्ष महोदय के आह्वान पर यहाँ पर हैं और उसी का काम यहाँ पर उसी के लिए मीटिंग चल रही है। लखनऊ के नाम बदलने की आवाज की है, उस पर क्या असर है? देखिए, काम कोई है नहीं, तो जब कोई काम नहीं रहता है तो कुछ ना कुछ काम किया जाता है। आप लखनऊ का नाम बदल दीजिए, आप रामपुर का नाम बदल दीजिए, आप इलाहाबाद का नाम बदल दीजिए, आप शाहजहांपुर का नाम बदल दीजिए, आगरा का नाम बदल दीजिए, लेकिन नौजवानों को रोजगार कब देंगे आप? आप अग्निवीर जैसी जो आप बहुत ही दुखदायी योजनाएं शुरू करते हैं उनको कब बदल करके उनका जो असली स्वरूप सैनिकों का था, सम्मान था, उसको कब रिस्टोर करेंगे? आप जो ये जो 1000 रुपये का सिलेंडर है, 100 रुपये का जो पेट्रोल है, डीजल है, इन सब पर कब अंकुश लगेगा? हमारी माताएं बहनें एक बार पुनः धुएं की चपेट में आ रही हैं, उनको कब मुक्ति दिलाएंगे आप? जो हमारे लोग भुखमरी से आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं उनको कब निजात मिलेगी? आज चिंता इस बात की है। आप लखनऊ में अभी आप चले जाइए, वहाँ पर 2018 में भी इस तरह बेवकूफ़ बनाया गया था और 2023 में एक बार फिर से वो इतना गरीबों के साथ इतना मजाक चल रहा है, मध्यम वर्गीय के साथ इतना मजाक चल रहा है। एक तरफ आप कहते हो कि साहब लगभग 100 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे दे करके उनको जिलाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि 24 करोड़ जनता में से 20 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, तो क्या ये जो तमाशा हो रहा है, ये क्या करोड़ 2 करोड़ लोगों के लिए हो रहा है क्या? तो जिस पर ध्यान देना चाहिए उस पर ध्यान नहीं देना है। और जो बातें हम लोग देखिए, गीत संगीत भी जब पेट भरा होता है तब अच्छा लगता है, तो ठीक है आप अपना मनोरंजन कर रहे हैं, करते रहिए। लखनऊ में इन्वेस्टर का कार्यक्रम होने जा रहा है जी, उसमें कई तरीके के उद्योगपति शामिल होंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो अभी आप लखनऊ आए तो पूरा लखनऊ में एक अजीबोगरीब तमाशा हो रहा है। जगह जगह काफ़ी रुपया पैसा बर्बाद करके जो है वो उधर मुख्यमंत्री जी की आवाज़ के सामने से लेकर के और परिवर्तन चौक तक, वहाँ तक सॉरी वो जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक एक इवेंट मैनेजमेंट के लिए तैयारी हो रही है। आपने 2018 में इन्वेस्टर समिट किया था, कितना इन्वेस्टमेंट आया अभी तक आपके पास? आप 2023 में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, आपने अभी 2-3 दिन पहले जो है बड़े भारी उसमें फंसे हुए हैं और लाखों करोड़ रुपए, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे आपका LIC हो, वहाँ से लोगों के लिए बड़ा भारी एक घातक, बड़ा भारी भयावह एक संदेश आया है। तो कुल मिलाकर के सच्चाई वही है, राहुल गांधी जी ने संसद में अभी जो सवाल पूछे हैं उनमें किसी एक सवाल का जवाब मिला, और बहुत जेन्युइन सवाल है। देखिए, सिर्फ ये बड़े सम्मान के साथ पूछा गया है कि आपने जितनी विदेशी यात्राएं की हैं उसमें अडानी जी आपके साथ कई बार गए हैं, या आपके जाने के बाद अडानी बार कई बार उस देश में गए हैं, आप दोनों के आने के बाद अडानी जो कितने बार वहां पर ठेके मिले हैं? तो ये सवालों में देश को बताने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी भरपाई हमारे देश के गरीबों को ही करनी पड़ रही, मध्यम वर्गीय को करनी पड़ रही है। जिस तरह से नोटबंदी में आपने तमाशा देखा था, उस तरह से आप ये इन्वेस्टर समाज, तो लोग आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश कई मंत्री गए थे बाहर वहाँ से पैसा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, कोई मैक्सिको जा रहा है, कोई थाईलैंड जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के लब्बो लबाब यही है कि गरीब जनता जो है वो 5 किलो राशन पर ही निर्भर है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्र लिखा है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को, जो रामचरितमानस के ऊपर जो टिप्पणियां हैं उसको संशोधित किया जाए, इसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए उनको ये जो ज्ञान जो मिल रहा है वो इनको ज्ञान भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से प्राप्त हो रहा है, और उन्हीं दोनों लोगों के द्वारा जो दिए गए ज्ञान से वो ज्ञानित हैं, और उनके ज्ञान को कृपया हम लोग किसी भी हालत में इस देश का जो देश का वास्तविक मुद्दा है, इस देश का वास्तविक मुद्दा इस समय सिर्फ अडानी है, और किसी को भी अडानी से अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, चाहे वो आपके भागवत जी हों, चाहे ये स्वयं प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे एक्स वाई जेड कोई और हो, अगर आपको मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रहा है तो आप घुमा फिरा कर उसको मुद्दे पर लाइए, कहिए भैया पहला सवाल अडानी से हो, कहीं अठारह हो कि अडानी झोला तैयार कर रहे हो, और किसी सवेरे हम लोग को जानकारी मिले कि दोनों भाई झोला लेकर के यहाँ से निकल लिए और हम आप हिंदुस्तान में तमाशा देखने मजबूर। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी लंबी यात्रा करके आए हैं, अपना इलाज करा लें और सत्ता के लिए बेचैन है, कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार से जन्मजात संबंध है। जी जी, तो अब जिसका आपने नाम लिया है वो हारा हुआ व्यक्ति है, हारे हुए व्यक्ति के स्टेटमेंट को आप इतनी गंभीरता से अगर ले रहे हैं तो ये मैं बड़ी चिंता की बात है। जो हारे हुए जो पराजित लोग हैं उनको आप पराजित ही रहने दो, इतना उन्होंने दिखाया था 2016 से आभारी बहुत मेहनत किए थे, वहाँ पर जो तमाशे होते थे, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं वो, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका जाना दूभर हो गया था, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा नहीं सकते थे, और पल्लवी पटेल जी आई और उन्होंने चुनाव उनको हरा दिया। तो जो लोग स्वयं पराजित लोग हैं वो यात्राओं पर कमेंट करने के योग्य है ही नहीं है, कमेंट कर रहे हैं इसीलिए उनको PWD से ला करके कहीं और ग्रामीण अभियंत्रण वगैरह बैठा दिया गया है, भले डिप्टी CM का नाम लिखा हुआ उनके आगे, लिखा रहने दीजिए, डिप्टी CM का नाम कई लोगों के आगे लिखा हुआ है, लेकिन कल भी आपने देखा होगा, पता नहीं आप लोगों को वायरल देखा नहीं देखा जो हुआ है, बड़े भाई और उसके बाद किसी मीडिया बंधु के ही, तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को सब लोगों को इस वक्त रेखा खींच दीजिए, और मैं मीडिया बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि एक रेखा खींच दीजिए देश बचाने वालों का, देश बिगाड़ने वालों को, देश को गुलामी की राह पर ले जाने वालों को, देश को आज़ादी की राह पर ले जाने वालों को, देश को बेचने वालों को, इन सब लोगों को चिन्हित करना चाहिए हमको आपको मिलकर के कि कौन लोग लग गए हैं, कभी रेल बेच दो, कभी एयरपोर्ट बेच दो, कभी LIC बेच दो, कभी स्टेट बैंक बेच दो, कभी कुछ बेच दो, क्या है भाई ये आप लोगों की गाढ़ी कमाई, हमारे माँ बाप के हमारे बाप दादा के गाढ़ी कमाई के पैसों से बना है, किसी पार्टी विशेष घर के पैसे नहीं बना है, लेकिन ऐसा बेचा जा रहा है जैसे मालूम पड़ता है उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है, जब चाहे तब बेच दो, और जब पूछो तो कहता विकास विकास, भैया कौन सा विकास आपने 2014 से आज तक देख लिया, 2014 से लेकर के 2023 में अगर कोई चीज आप अनवरत देख रहे हैं तो राशन देख रहे हैं कि राशन, अभी आपने बजट में सुना होगा कि एक साल तक राशन दिया जाएगा, क्या राशन दिया जाएगा भाई, हमारे देश की जनता उद्यमी है, किसान हमारा उद्यमी है, कभी किसानों को मरने पर मजबूर कर देते हो किसान काले कानून ला करके, कभी उनको नोटबंदी में लाइन लगा के मरने को मजबूर कर देते हो।